लास्ट टाइम गाइस आप लोगों ने देखा कि मैं सिंचैन और चॉप सिंचैन को लेके गए थे स्कूल और लिटरल गाइस हम लोग उसका एडमिशन कराने वाले थे, लेकिन गाइस एंड टाइम पे सिंचैन भाग गया। और हाँ गाइस, कहाँ भागा है कोई पता नहीं है, अभी तक घर भी नहीं आया। चॉप, तूने सिंचैन को देखा अभी तक? फ्रैंकलिन भैया, अगर सिंचैन दिखता तो मैं आपको बताता नहीं क्या? मुझे सिंचैन जब से नहीं दिखा फ्रैंकलिन भैया। वैसे गाइस पता नहीं सिंचैन कहाँ भाग के गया है, अभी तक नहीं आया। लिटरली गाइस आज कुछ भी हो जाए सिंचैन का एडमिशन मैं करवा के रहूंगा, और हाँ उसको स्कूल भेज के रहूंगा। बहुत ज्यादा शैतान हो गया सिंचैन, आज तू बच नहीं सकता। और हाँ गाइस, आप लोग चाहते हो कि मैं सिंचैन का एडमिशन करवाऊं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। फ्रैंकलिन भैया, सिंचैन को एक बार घर में देखो ना। हाँ चॉप, तू सही बोल रहा है, लेकिन हमने पहले भी देख रखा है और लिटरली गाइस सिंचैन जब से आया ही नहीं है। और हाँ, आप लोग को जैसी पता चली सिंचैन कहाँ पर है मुझे बता देना गाइस, उसके बाद तो पक्का सिंचैन को मैं पकड़ लूंगा। अभी एक काम करते हैं, सिंचैन बहुत देर हो गया है अभी तक आया नहीं है, मतलब आसपास कहीं वो छुपा होगा। चॉप चल आ जा, उसको ढूंढते हैं और उसको पकड़ के फटाक से स्कूल लेके जाते हैं हम लोग। फ्रैंकलिन भैया, वो आसपास तो नहीं है, आसपास तो हमने बहुत ढूंढा। हाँ, एक उसकी फेवरेट जगह है ना, पार्क, हम उसके पार्क में चलते हैं यार। हाँ गाइस, आप लोग को बताना भूल गया कि सिंचैन अक्सर पार्क में भी जाता है। फ्रैंकलिन भैया, वहाँ देखो वो अंकल स्मोकिंग कर रहे हैं यार। एक मिनट, मेरे होते हुए लॉस सैंटोस में स्मोकिंग? गाइस लिटरली ये बहुत गलत बात है। सुनो, आपको पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए यार। स्मोकिंग अगर करूंगा तो क्या होगा? अरे मारूंगा और कंप्लेन भी कर दूंगा पुलिस वालों के पास, उसके बाद तुम जेल चले जाओगे। फ्रैंकलिन भैया देखो, वो तो डर के चले गए। हाँ, गाइस वैसे भी स्मोकिंग करना गंदी बात होती है, तो सही है उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया यार। चलो गाइस, फिलहाल अभी सिंचैन को ढूंढते हैं, और हाँ आज के बाद स्मोकिंग कभी मत करना। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फटाफट सिंचैन को ढूंढने पार्क जाते हैं। वैसे भी गाइस सिंचैन ना आस पास में होगा, क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। चल चॉप, आज सिंचैन को ढूंढेंगे और उसके बाद सिंचैन को स्कूल लेके जाएंगे और उसका एडमिशन करवाएंगे। लिटरली गाइस बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो चलो। फ्रैंकलिन भैया, रास्ते में भी मैंने अच्छे से देखा, सिंचैन कहीं भी नहीं दिखा। एंड गाइस फाइनली हम लोग पार्क के पास पहुंच गए। गाइस यार यहाँ देखना पड़ेगा, क्या पता सिंचैन यहाँ हो। फ्रैंकलिन भैया चिल्ला चिल्ला के सिंचैन सिंचैन मत बोलना, वरना वो वापस भाग जाएगा। ओके चॉप, मैं समझ गया। वैसे गाइस आसपास देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सिंचैन है नहीं, सिंचैन आसपास दिखता तो अपने आप भागने लगता, क्योंकि गाइस वो हमारी कार पहचानता है। सुनिए, आप लोगों में से किसी ने कोई 5 साल का बच्चा देखा है जिसने लाल कलर की टी शर्ट और वेलो पैंट पहनी हो यार? नहीं भाई, हमने तो ऐसा बच्चा नहीं देखा है। ओके यार गाइस, लिटरली आसपास में किसी ने सिंचैन को नहीं देखा। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर चढ़ता हूँ और यहाँ से सिंचैन को देखता हूँ कि आसपास में जहाँ भी होगा मुझे दिख जाएगा। सिंचैन सिंचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसे नहीं मिलेगा, नीचे देखो नीचे, गाइजर पता नहीं सिंचैन कहाँ है। सिंचैन सही में बहुत ज्यादा तंग कर देता है यार सबको। हाँ गाइस, सिंचैन लिटरली मिल नहीं रहा। और वैसे भी आप लोग चाहते हो कि मैं सिंचैन को ढूंढूं तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दो। और वेट, यहाँ पे एक और बंदा है जो स्मोकिंग कर रहा है। सुनो, आप स्मोकिंग मत करो यार। मैं तो करता हूँ, कोई रोक लेगा तो रोक के दिखाए। अरे यार अच्छी बात कह रहा हूँ, और वैसे भी ये पार्क है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और यहाँ पे आप स्मोकिंग कर रहे हो। वाह फ्रैंकलिन भैया, बहुत सही किया, गाइस वो स्मोकिंग कर रहे थे और ऊपर से कह रहे थे कोई रोक नहीं सकता। फ्रैंकलिन भैया का एक पंच में इतना पावर है, वो डायरेक्ट बेहोश हो गई यार। हाँ लेकिन सिंचैन नहीं मिल रहा यार, लिटरली सिंचैन अभी तक मुझे दिखा भी नहीं। चॉप, मुझे नहीं लगता कि सिंचैन यहाँ पार्क में आया होगा, चल हम लोग यहाँ से निकलते हैं यार। फ्रैंकलिन भैया आप सही कह रहे हो, गाइस सच्ची में अब तो मुझे सिंचैन के लिए फिकर हो रही है, वो पढ़ाई से इतना भाग रहा है इतना तो यार मैं भूतों से भी नहीं भागता। हाँ यार लिटरली वो पता नहीं क्यों भाग रहा है, लेकिन वो जितना भी भाग ले उसको तो पढ़ना पड़ेगा। और हाँ उसका एडमिशन स्कूल में जरूर होगा, और वो स्कूल
जरूर जाएगा। जो भी हो चौप, अभी वो बचने वाला नहीं है, चला जा कहीं और ढूंढते हैं। वेट गाइस, ऐसा कोई है जो हमारी मदद कर सके सिंचैन को ढूंढने में? हाँ, कौन कर सकता है, कौन कर सकता? फ्रैंकल भैया, हम तो अपने खास इंसान को भूल गए। अरे अब कौन है, फटाफट से बताना, हम वहीं चलते हैं यार। फ्रैंकल भैया, हम लेस्टर भैया को कैसे भूल गए? अरे हाँ, सही बोल रहा है। गाइस, अभी हम लोग फटाफट जाते हैं लेस्टर भैया के पास और हाँ, उनसे मदद मांगते हैं। लिटरली वो हमारी मदद जरूर करेंगे और गाइस, वो सिंचैन को ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद तो सिंचैन तू तो गया, तो चलो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं और फटाफट से लेस्टर भैया के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं यार। चलो फ्रैंकल भैया, बहुत तेज चलाओ। गाइस, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है लेस्टर भैया की। अगर आज लेस्टर भैया ने हमारी मदद नहीं की तो हम सिंचैन को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे यार। हाँ गाइस, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है सिंचैन। फ्रैंकल भैया, और कितना टाइम लगेगा? गाड़ी को जल्दी चलाओ ना यार, हमें सिंचैन को पकड़ना भी तो है। अबे यार, वैसे भी पूरे लॉस सैंटोस में स्नो हो गया है और हाँ, इसके ऊपर ड्राइविंग करना काफी ज्यादा हार्ड है। और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं लेस्टर भैया के घर के पास। ये देख, हम लोग आ गए चौप। वाह वाह वाह, फ्रैंकल भैया थैंक यू, हम थोड़ी जल्दी आ गए। अबे यार, ये काफी ज्यादा स्लिपरी है, लिटरली गाइस यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। चलाना चौप, हम लोग फटाफट ऊपर चलते हैं यार। हाँ फ्रैंकल भैया, चलो चलो। गाइस यार, सच्ची में ये सिंचैन है ना, पता नहीं स्कूल से इतना भाग क्यों रहा है। ऐसे भाग रहा है जैसे स्कूल के अंदर शेर हो यार। हाँ जो भी हो, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लेस्टर भैया के पास। हेलो लेस्टर भैया, कैसे हो यार? उड़ी बाबा, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रैंकलिन, तुम बताओ। फ्रैंकल भैया, इनके रूम में तो बहुत गर्म लग रहा है यार। हाँ यार, शायद हीटर चल रहा हो। सुनो लेस्टर भैया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उड़ी बाबा, फ्रैंकलिन तुम्हारे पास हमेशा प्रॉब्लम होती है, कभी सॉल्यूशन नहीं होती क्या बाबा? अरे क्या बताऊँ, इस बार तो सिंचैन ही गायब हो गया। आपको क्या बताऊँ, मैं गया था सिंचैन का एडमिशन कराने के लिए, उसके बाद जो सिंचैन स्कूल से भागा है अभी तक नहीं आया, बस उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और आपकी हेल्प चाहिए सिंचैन को ढूंढने के लिए यार। बड़ी बाबा, स्कूल में एडमिशन कराते वक्त कौन बच्चा भागता है, ये सिंचैन है की आफत बाबा। सिंचैन भाग गया, वो भी स्कूल से? नहीं फ्रैंकलिन बाबा, मैं नहीं मानता बाबा। लेस्टर भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची में सिंचैन हमें नहीं मिल रहा यार। हाँ लेस्टर भैया, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, आप हमारी हेल्प करो और सिंचैन को ढूंढ निकालो। लिटरली वो बहुत देर हो गया, अभी तक घर भी नहीं आया और हमने उसको पार्क में भी ढूंढा, वो पार्क में भी नहीं था। मुझे लगा वो आपके पास आया होगा, लेकिन वो यहाँ भी नहीं है। अब आप ही हो जो हमारी हेल्प कर सकते हो यार। उड़ी बाबा, सही बोल रहे हो, सिंचैन को तो ढूंढना पड़ेगा और वो इतना छोटा है और स्कूल से अभी से भाग रहा है ना बाबा, ना उसको पढ़ाई की लत तो लगवानी पड़ेगी बाबा। हाँ आ जाओ, फटाफट चलते हैं और उसको लेके आते हैं आज। उड़ी बाबा, मेरी गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी से चलते हैं बाबा। एक मिनट, आपकी गाड़ी? आपकी गाड़ी देखूं। अच्छा, ये गाड़ी आपकी है क्या? ये बिल्कुल डिब्बे जैसी लग रही है मेरे को। उड़ी बाबा, पागल हो, उस गाड़ी के अंदर हीटर भी है और टायर में चैन लगे हैं जो कि स्नो में बिल्कुल नहीं फिसलती बाबा। ओके, मैं समझ गया। गाइस लिटरली ये वाली जो कार है ना, स्नो में बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी और हाँ, बिल्कुल बढ़िया चलेगी। थैंक यू लेस्टर भैया, बैठ जाओ और बैठ जा चौप, अभी हम लोग निकलते हैं और फटाक से लेस्टर भैया की गाड़ी से आज सिंचैन को ढूंढेंगे यार। फ्रैंकल भैया, दो मिनट रोको ना, मुझे भी तो बैठने दो। ओके, बैठ गया ना। ऑलराइट गाइस, अभी सिंचैन को कहाँ ढूंढ सकते हैं, अभी ये देखना पड़ेगा सिंचैन कहाँ जा सकता है। चौप, तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं फ्रैंकल भैया, कहाँ जा सकता है? उड़ी बाबा, हाँ मुझे लगता है सिंचैन अम्यूजमेंट पार्क जा सकता है बाबा। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, लिटरली गाइस वहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले भी हैं और हाँ, वहाँ पे खाने पीने की चीज बहुत ज्यादा है। चलो एक बार वहाँ जाके देखते हैं और देखते हैं कि कहीं सिंचैन वहीं तो नहीं। थैंक यू लेस्टर भैया, आप हमारे साथ हो, फिर डरने की क्या बात है, लिटरली मुझे पता है आप ही हो जो सिंचैन को ढूंढ सकते हो यार। उड़ी बाबा, बस बस पहले वहाँ चलो। ऑल राइट गाइज, अबे फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं अम्यूजमेंट पार्क और लिटरली मुझे लगता है कि पक्का सिंचैन यहाँ होगा और एक बार मुझे सिंचैन दिख गया फिर तो वो बचेगा नहीं। और है लेस्टर भैया,
आपकी कार में ये गन कैसी है यार? उड़ी बाबा, वो इलेक्ट्रिक गन है बाबा। एक मिनट लेटर भैया, इलेक्ट्रिक गन ये क्या होती है? उड़ी बाबा, मान लो तुमसे कोई लड़ाई कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिक गन तुम उसको मारोगे तो वो 15 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगा और उसको एक छोटा सा बिजली का झटका लगेगा बाबा। ओके, मैं समझ गया, चलो बाद में हमारे काम ही आएगा। अभी फिलहाल सिंचन को ढूंढते हैं। लिटरली गाइस, सिंचन मुझे दिखेगा ना तो पक्का आज वो बचेगा नहीं। वैसे भी यहाँ पे ज्यादा लोग आए नहीं है, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही है लॉस सैंटोस में इतनी ज्यादा कड़क ठंड है ना, घर से निकलने का मन नहीं करता। लेकिन सिंचन घर से बाहर है। सिंचन, तू आस पास है तो आजा, हम तुझे नहीं कुछ करेंगे यार। फ्रैंकल भैया, सिंचन को ऐसे मत बोलो, पक्का वो भाग जाएगा। आराम से और शांति से ढूंढो गाइस, अगर सिंचन होगा तो पक्का पकड़ा तो जाएगा, क्योंकि हम तीन हैं और वो अकेला, चाहे कुछ भी हो जाए आज उसको हम भागने नहीं देंगे। हाँ हाँ चौप, एक काम कर, अपने कान और नाक दोनों खोल ले और जैसी सिंचन की खुशबू आए मुझे बता दियो। वैसे गाइस आस पास में देखा जाए तो सिंचन तो कहीं नहीं है। चौप, तुझे खुशबू आ रही है उसकी? नहीं फ्रैंकल भैया, मुझे तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ अगर वो अगल बगल होगा तो पक्का आ जाएगी। ओके गाइस, अभी फिलहाल सिंचन आसपास में होगा तो चौप को पता चल जाएगा। और हाँ, आपको जैसे ही पता चले कि सिंचन कहाँ है। ड्राइवर भैया, थैंक यू सो मच, आज तो आपने बहुत कुछ खिलाया मुझे यार। कोई बात नहीं सिंचन, मैं तुम्हें और भी खिला दूंगा, लेकिन हाँ अभी बहुत टाइम हो गया है, तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए, वरना फ्रैंकलिन तुमको ढूंढ रहा होगा। अरे घर घर अभी अभी जरूरी थोड़ी है, मैं आपके घर भी तो रह सकता हूँ। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन फ्रैंकलिन को पता है कि तुम मेरे पास हो। रुको, उसको कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि तुम मेरे पास हो। ओके। कॉल कर रही हो क्या यार, ये तो कॉल करने लगी। छोड़ दो ना, कॉल करना जरूरी थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे पास हो, उसको बताना जरूरी है। एक मिनट, फ्रैंकलिन, हाँ ये रहा फ्रैंकलिन का नंबर। अरे हाय फ्रैंकलिन। हाय ट्रेवर भैया, आज इतने दिनों बाद मुझे कॉल किया, ऐसा क्यों? अरे क्या बताऊँ, ये जो सिंचन है ना, आज मेरे पास आया है और हाँ सुनने में आया है तुम इसको सारा काम करवाते हो घर का, इसीलिए ये भाग के आया है। एक मिनट, सिंचन आपके पास है? हाँ वो भी कल आया था, इसीलिए अभी मेरे पास ही है। लो सिंचन, बात करो फ्रैंकलिन से। अरे मैं बात नहीं करूंगा, चल सिंचन फटाफट यहाँ से भाग यार। अरे फ्रैंकलिन, सिंचन क्यों भाग रहा है? अरे सिंचन तुम कहाँ जा रहे हो? अरे लेस्टर भैया, उसको पकड़ो, वो वापस से भाग जाएगा। ये ही ना बात गाइस, ये लोग मुझे पकड़। रुको, तुम नहीं बच सकते, मुझे पता चल गया तुम घर से झूठ बोल के भागे हो। पकड़ के दिखाओ गाइस, यार सच्ची में मैं तो बहुत ज्यादा मास्टर माइंड हूँ। आ जाओ ड्राइवर भैया, आ जाओ गाइस। यार क्या बताऊँ, मैं तो बहुत ज्यादा दिमागदार हूँ। ये 1 2 3 4 गाइस, चलो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। यार सच्ची में ड्राइवर भैया ने बता दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। हाँ मेरे पास एक आइडिया है, मैं डायरेक्ट यहाँ से लॉस सैंटोस जाता हूँ और लॉस सैंटोस में जाके और किसी जगह में छुप जाऊंगा। ये वाला कहाँ जाऊँ, हाँ हाईवे वाला रास्ता है ना, उसी से जाता हूँ। चलो गाइस यहाँ से भगा लेता हूँ, कहीं मैं फंस ना जाऊँ। सच्ची में यार, ये ड्राइवर भैया ने तो मुझे फंसा ही दिया था, वो तो बढ़िया है मैं ड्राइवर भैया के हाथों में नहीं पकड़ाया, वरना तो आज स्कूल में एडमिशन पक्का मेरा हो ही जाता। अरे यार वो तो भाग गया फ्रैंकलिन, लिटरली वो मेरी वाली गाड़ी लेके भागा है। हाँ लेकिन वो लॉस सैंटोस की तरफ वापस गया है। ओके मैं समझ गया, लेकिन वेट, वो जब आया था आपके पास तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अरे क्या बताऊँ, उसने बोला कि तुम उसको घर का सारा काम करने के लिए कहते हो, इसीलिए वो भाग गया था वहाँ से। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है ड्राइवर भैया, मैंने उसका एडमिशन कराने के लिए उसको एक स्कूल में ले गया था, लेकिन उसको स्कूल जाना नहीं था, इसीलिए वो स्कूल से भाग गया। उसके बाद वो भाग के आपके पास पहुंच गया और उसके पास कोई बहाना था नहीं, तो उसने डायरेक्ट ऐसा बोल दिया कि जैसे मैं गलत हूँ। लिटरली वो तो बहुत गंदा है। अरे अच्छा, आज तो लिटरली वो तो पकड़ा जाता, लेकिन जस्ट जैसे मैंने तुम्हें कॉल लगाया
वो भाग गया। ट्रायंगल भैया क्या बोल रहे थे ट्रेवर भैया सिंचन के बारे में? अरे ट्रेवर भैया के घर में था सिंचन, और लिटरली जैसे ही ट्रेवर भैया ने मुझे कॉल किया तो सिंचन वहाँ से भाग गया। और हाँ ट्रेवर भैया ने एक और बात बताई है, सिंचन भाग के वापस लॉस सैंटोस आ रहा है क्योंकि उसको लॉस सैंटोस की तरफ आते हुए देखा है। चलो अभी एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ से सिंचन आएगा, और उसको बीच रास्ते में पकड़ के वापस स्कूल ले जाएंगे। यार फ्रैंकल भैया आपको लगता है क्या कि सिंचन बीच रास्ते में हमें देख के रुक जाएगा? नहीं फ्रैंकल भैया आप बहुत गलत सोच रहे हो यार। हाँ चौप तू सही बोल रहा है, सिंचन बहुत ज्यादा चलाक है। लिटरली गाइस मुझे कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा जिससे मैं सिंचन को पकड़ सकूं। चलो अभी फिलहाल मैं वहां जाता हूं जहां पे सिंचन आ सकता है, वो रास्ता जो सीधा लॉस एंड्रोस की तरफ आता है। लिटरली मुझे पक्का पता है कि उसके आने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बड़ी बाबा फ्रैंकलिन ये मौका हमारे पास लास्ट मौका है, अगर इस बार सिंचन बच गया तो पक्का वो स्कूल में एडमिशन नहीं करवाएगा बाबा। हाँ हाँ मैं समझ गया, तो चलो गाइस अभी हम लोग वहां जाते हैं जो रास्ता लॉस सैंटोस की तरफ आता है। तो चलो अभी यहां से निकलते हैं और फटाक से वहां जाके चलते हैं। और लिटरली इस बार सिंचन बच गया तो वापस बचता रहेगा। लास्ट भैया मेरे पास एक प्लान है, आप सुनना चाहोगे? उड़ी बाबा बताओ फ्रैंकलिन कौन सा प्लान है बाबा तुम्हारे पास? देखो इसी रास्ते से सिंचन आएगा, और हाँ ट्रेवर भैया जब फोन आया था जब सिंचन वहां से निकला है मतलब अभी वो लॉस सैंटोस पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है, और ये वही रास्ता है जो रास्ता लॉस सैंटोस जाता है। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे बेहोश होने का नाटक करो और सिंचन आपको देख लेगा, उसके बाद मैं पीछे से आऊँगा और जो आपके कार में गन रखी है वो इलेक्ट्रिक वाली जो इलेक्ट्रिक शॉक देती है मैं सिंचन को पीछे से मार दूंगा और सिंचन बेहोश, उसके बाद मैं सिंचन को पकड़ लूंगा। कैसा लगा मेरा प्लान? उड़ी बाबा तुम तो मास्टर माइंड निकले, लगता है मेरे साथ रह रहे के तुम्हारा दिमाग काम करने लग गया बाबा। हाँ देखो आप ऐसे यहाँ पे सो जाना, बस नाटक करना कि आपका एक्सीडेंट हो गया और पक्का सिंचन आपको देख के रुक जाएगा, और फिर सिंचन गया। बाबा फ्रैंकलिन जब वो मुझे देखेगा तो पक्का उसको शक हो जाएगा बाबा। नहीं नहीं आप उसको शक मत होने देना, बस एक बार आप लेटे रहना और वो जितना ही बोले आप उठना मत, बस ऐसा करना कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको बिल्कुल भी होश नहीं है, उसके बाद मैं देख लूंगा कि मुझे सिंचन का क्या करना है। यार उड़ी बाबा ठीक है फ्रैंकलिन मैं रेडी, चुप तुम भी हट जाओ बाबा वहाँ से। अरे हाँ हाँ मैं फ्रैंकलिन भैया कहाँ छुपू यार? चुप हम दोनों इन पेड़ों के पीछे छुप जाएंगे जहाँ से सिंचन हमें ना देख सके। चुप आजा आजा फटाक से आजा, और हाँ लेस्ट भैया आप ऐसे लेटे रहना, और हाँ कुछ भी हो जाए आप बिल्कुल मत हिलना वरना सिंचन को एक बार शक हो गया वो वापस भाग जाएगा। आजा चौप ऊपर आजा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अरे यार पैर फिसल गया, कोई बात नहीं सिंचन को पकड़ने के लिए कुछ भी करूंगा लेकिन सिंचन आज तू बचेगा नहीं यार। फ्रैंकल भैया सही बोल रहे हो गाइस, आज कुछ भी हो जाए सिंचन को पकड़ के रहेंगे, और ये मौका तो हमारा लॉस्ट मौका है, अगर इस बार हम लोग सिंचन को नहीं पकड़ पाए तो समझो गए, और सिंचन एक बार लॉस एंड लॉस चला गया तो उसके पास छुपने के हजार जगह हो जाएंगे यार। हाँ यार सही बोल रहा है, अभी गाइस मैं इसी झाड़ी में छुपा हुआ हूँ, बस सिंचन आ जाए उसके बाद तो सिंचन गया। चलो यहाँ से मैं नहीं दिखूंगा, अभी यहीं पे छुपे रहते हैं। चौप तू भी आवाज मत करियो वरना एक बार सिंचन को शक हुआ उसके बाद तो हम लोग गए, और सिंचन जो भागेगा वो रुकेगा नहीं यार। उड़ी बाबा बहुत ठंडी लग रहा है यार, क्या करूँ मन कर रहा है उठ जाऊँ बाबा। अरे नहीं नहीं ऐसे लेटे रहो सिंचन आता ही होगा बस। ये गाइस फाइनली मैं बच गया, फ्रैंकलिन भैया पक्का ट्रेवर भैया के पास गए होंगे मुझे ढूंढने के लिए, उनको क्या पता है कि मैं लॉस एंड्रोस बस पहुंचने वाला हूँ। यार क्या बताऊँ मेरे को स्कूल जाने का मन ही नहीं करता इसीलिए इतना भाग रहा हूँ, लेकिन हाँ ये क्या ये तो लेस्टर भैया है। अरे लेस्टर भैया ये क्या हो गया आपको? गाइस ये क्या लेस्टर भैया उठो, आपका यहाँ पे एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे किसने ठोक दिया मेरे लेस्टर भैया को? लेस्टर भैया ओए लेस्टर भैया उठ जाओ। यार ये क्या हो गया, सो तो नहीं गए? नहीं नहीं रोड में कौन सोता है, लेस्टर भैया उठो ना। लेस्टर भैया आपको क्या हो गया? अंकल भैया आ गया देखो नीचे लेस्टर भैया के पास है वो। हाँ हाँ चुप मुझे दिख गया, अभी तो चुपचाप रही हो, और गाइस आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हो
ये इलेक्ट्रिक गन है, और हाँ जिसको ये लग जाए वो तो गया। और सिंचन तू गया। अरे ये क्या है, फ्रैंकल भैया ये आपकी वर्दी। सिंचन भागने की कोशिश मत कर, मेरे हाथ में ये इलेक्ट्रिक गन है और ये ले। यार बहुत तेज शॉक देता है। लिटरली गाइस सिंचन भागेगा तो पक्का तुझे वापस से शॉक लगेगा। लिटरली गाइस सिंचन पकड़ा गया। उठ जाओ लेस्टर भैया, अब सिंचन नहीं भाग पाएगा यार। उड़ी बाबा, फाइनली हम लोगों ने सिंचन को पकड़ लिया बाबा, मजा आ गया। सिंचन तुम कितना भागते हो बाबा? मैं कहाँ हूँ यार। ऑल राइट गाइस सिंचन पकड़ा गया। सिंचन भागने की कोशिश की तो सोच ले वापस है तुझे मैं ये शॉक वाली गन मारूंगा, और लिटरली एक बार और उसके बाद तो बेहोश हो जाएगा। चलो लेस्टर भैया इसको उठा लो और पकड़ के ले चलते हैं हम लोग वापस स्कूल, और इसका एडमिशन कराते हैं यार। उड़ी बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हो, आज इसका एडमिशन हो के रहेगा। सिंचन बाबा तुमने सबको परेशान कर रखा था और अब तुम खुद परेशानी में जाओगे, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा बाबा। अरे यार मेरा दिमाग घूम रहा है, अरे आप लोग कौन हो, मुझे छोड़ दो ना। और हाँ तूने ट्रेवर को बोला कि मैं तुझे घर का काम करवाता हूँ और इसीलिए तू वहाँ भाग के चला गया। सिंचन ये तूने बहुत गलत किया है मेरे साथ। मुझे नींद आ रही है, कुछ बोलो मत। उड़ी बाबा सिंचन तो सो गया बाबा। बाबा मुझे लगता है तुमने इलेक्ट्रिक गन 2-3 बार मार दी इसको। हाँ हाँ लास्ट भैया वो भाग रहा था इसीलिए मुझे मारना पड़ा। लिटरली गाइस अभी सिंचन बेहोश है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, और स्कूल जाके सिंचन का कराऊंगा एडमिशन, और उसके बाद सिंचन जाएगा स्कूल। और आप लोगों ने गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ आप लोग जरूर बताना कि आप लोग कौन सी क्लास में हो और सिंचन का एडमिशन कौन से क्लास में होना चाहिए। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, फटाफट जाते हैं लॉस सैंटोस पब्लिक स्कूल। अंकल भैया आज का दिन तो काफी ज्यादा एडवेंचरस था यार। हाँ चौप, क्योंकि हम लोग आज पूरे दिन सिंचन को पकड़ रहे थे, और लिटरली गाइस सिंचन को पकड़ना कोई एडवेंचर से कम नहीं। चलो अभी फिलहाल हम लोग स्कूल पहुँच गए, लेकिन सिंचन उठ जा हम लोग देख स्कूल पहुँच गए हैं यार। अरे क्या स्कूल, अरे स्कूल कहाँ, मैं तो कहीं और था ना। अरे नहीं नहीं तू वापस से आ चुका है और स्कूल, और हाँ आज तेरा एडमिशन हो के रहेगा, आज तू भाग नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास है इलेक्ट्रिक गन, जैसे ही भागेगा मैं मार दूंगा और तू वापस से बेहोश हो जाएगा। सिंचन ऐसा सोचो भी मत कि तू यहाँ से भाग जाएगा यार। फ्रैंकल भैया मेरे को स्कूल जाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। उड़ी बाबा सिंचन अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना देगा बाबा। नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ लेस्टर भैया। उड़ी बाबा तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। अच्छा तुम मुझे 2 का टेबल सुना दो बाबा। 2 का टेबल फ्रैंकल भैया ने तो मुझे पढ़ाया था, रुको बताता हूँ। 2 1 2 2 2 6। उड़ी बाबा तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, मैंने बोला ना तुमसे। ओके गाइस अभी फिलहाल सिंचन का एडमिशन करवाने के लिए अंदर जा रहे हैं। ओए इस बच्चे का एडमिशन, अच्छा प्रिंसिपल सर तो अंदर ही हैं, जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना वो घर चले जाएंगे। ओके ओके तो सिंचन तू तैयार है ना? और हाँ प्रिंसिपल सर जो भी पूछे तू फटाफट बता दियो, और हाँ कोई भी अंदर तंग नहीं करेगा सर को। ओके हाँ फ्रैंकल भैया मैं तंग तो नहीं करूंगा, लेकिन फ्रैंकल भैया मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ यार। तभी तो बोल रहा हूँ कि स्कूल जा, और तू स्कूल जाएगा तभी तो बनेगा इंटेलिजेंट, वरना सोच ले सब तुझे उल्लू बनाएंगे। और तो और सिंचन द उल्लू कैसा लगेगा सुनने में? नहीं मैं उल्लू नहीं बनूंगा, मैं इंटेलिजेंट बनूंगा। उड़ी बाबा फिर चलो अंदर, गाइस चलते हैं अंदर बाबा। ऑल राइट गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग अंदर आ चुके हैं, और हाँ प्रिंसिपल का रूम कहाँ पर है, शायद आगे है, चलो आगे जाके देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल सर का रूम आगे से लेफ्ट है भाई, देख लेना एक बार। ओके ओके थैंक यू। सिंचन आज तुझे पकड़ने में तो मेरा गला सूख गया, लेकिन कोई बात नहीं आजा अभी हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल सर के पास, वो देख अंदर ही होंगे। और हाँ अंदर चलते हैं और वो देर से जो भी पूछे तो फटाफट बता दियो। आइए आइए आइए, जब से मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपने कल बताया था कि कोई बच्चा आएगा, उसका नाम शायद
सिंचन है, कहाँ है वो? मैं ये रहे अंकल, नमस्ते। सॉरी अंकल नहीं, प्रिंसिपल सर, मेरा नाम सिंचन है, आप मेरा एडमिशन करवा लीजिए ना। अच्छा हो जाएगा, लेकिन वेट, तुम्हें ए बी सी डी आता है? हाँ ए बी सी डी वो तो आता है, मुझे आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन। अच्छा ठीक है, तुम्हें काउंटिंग आती है? हाँ मुझे काउंटिंग भी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ठीक है, और तुम्हें टेबल्स आते हैं? टेबल्स में मैं कमजोर हूँ, मुझे टेबल अच्छे से नहीं आती, मुझे माफ कर दो। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कितने साल के हो? मैं पूरे 5 साल का हूँ, और कुछ दिनों बाद मैं 6 साल का हो जाऊंगा। अच्छा फिर ठीक है, इस हिसाब से तुम्हारा एडमिशन मैं करता हूँ फर्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर। फ्रैंकल भैया आपने सुना, मैं नर्सरी क्लास में नहीं फर्स्ट क्लास में गया। और गाइस आप लोग कौन सी क्लास में हो कमेंट करके जरूर बताना यार। ऑल राइट अभी उसका एडमिशन हो गया। बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, सिंचन बाबा तुमको कांग्रेस। कौन हो, हमारे क्लास में कैसे घुस रहे हो? अरे सॉरी वो मैं गलती से आ गया यार, आपकी क्लास तो वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ी है। ट्रायंगल भैया मेरा एडमिशन हो गया है, पूरे लॉस एंजेलिस को पार्टी दे दो यार। अबे पागल है क्या, तू फर्स्ट नहीं आया है, तेरा बस एडमिशन हुआ है, अभी तेरा एग्जाम होगा, उसके बाद जब तू फर्स्ट आएगा तब मैं पूरे लॉस एंजेलिस में पार्टी दे सकता हूँ। चलो गाइस आज मैंने सिंचन का एडमिशन करा ही दिया, सिंचन अब तुझे कल से स्कूल आना ही पड़ेगा। और हाँ गाइस आज तो मजा आ गया, सिंचन अब तो खुश है ना? मैं खुश हूँ। गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको फिर से बता दूँ मैं फर्स्ट क्लास में चला गया, और आप कौन सी क्लास में हो कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।